जैसा कि इस सीन में हम देख रहे हैं, विलन ने राइफल से निशाना साध लिया है अपने खेसारी भैया की ओर, लेकिन हमारी फिल्म की हीरोइन रानी चटर्जी ने देख लिया है विलन को। और फिर विलन ने गोली चला दी है, गोली तेजी से खेसारी भैया की ओर आ रही है, और अब क्या होगा आगे? अरे दीदी, बुलेट है वो बुलेट, कोई 50 पैसे वाली एक्लेयर्स की टॉफी नहीं जो तुमने हाथ से पकड़ ली, क्योंकि ये जब एक बार बॉडी पर लग जाती है ना तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता। मतलब लगभग 7.62 mm की बुलेट को यूं ही तो पकड़ा ही, साथ ही में वो आपस भी भेज दिया, वो भी रिवर्स मोड में विलन के पास। मतलब सेंस गया, लॉजिक गया, गया। फिजिक्स गया। कुछ दिनों पहले हाल ही में मैंने भोजपुरी फिल्म का ये वाला सीन देख लिया। खेसारी लाल यादव की रफ्तार बता रही है कि एशियन मुकाबला में कोई नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है। सो यहाँ हमारे खेसारी बहू पूरा दम लगा के दौड़ रहे हैं जीतने के लिए, से आगे बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर खेसारी बाहू का पैर हर्डल से टकरा कर टूट गया है। अब क्या होगा, कैसे जीतेंगे अपनी खेसारी बाहू? रुको जरा, सबर करो। अब क्या सोच रहे हो खेसारी भाऊ, आप रेस नहीं जीत सकते। यहाँ तो ये दौड़ने लगा, मतलब भाई पैर कट के गिरा है उसका। हमें ठोकर लग जाती है किसी पत्थर से तो हमारी जान निकल जाती है, और अपने खेसारी भाऊ अभी तक दौड़ रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ऊपर से कोच भी चिल्ला रहा है, अरे दौड़ो ने, दौड़ो ने। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम मतलब कुछ भी दिखा दो हम देख लेंगे, हमारे माथे पे तो सी लिखा है। ये भगवान क्या जुलूम है। अगले वाले सीन में हम देखते हैं कि पवन जी कार का पीछा करते करते कार को एक लत मारते हैं, और साथ में कार घूमने लगती है, लेकिन कार के साथ साथ पवन जी भी घूमने लगते हैं। लेकिन एक चमाइला लेफ्ट साइड पे कार चक्कर काट रहा है, समझ में आता है, लेकिन हमारे देसी सल्लू भाई आपका बाइक कैसे गोल गोल घूम रहा है, वो भी हवा में? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अरे बेटा, इतना खतरनाक सेब, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार। मूर्ति बननी चाहिए। साला चलती कार में से निरहुआ बाबू ने निकाल लिया हीरोइन को, वो भी खिड़की से। ना हाउ इज इट पॉसिबल। और एक बात, निरहुआ जी तो साइकिल पे खड़े हैं, ऊपर से हीरोइन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उस एंगल से निरहुआ जी को थोड़ा तो डाउन होना चाहिए अपने दूसरे साइड पे। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। लेकिन ये तो भाई एकदम स्ट्रेट खड़ा है, कोई सेंस है इस बात की? I know, अब तुम सब सोच रहे होगे कि ये सीन तो किधर देखेला लगता है। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये सीन देखा होगा सल्लू भाई की किक मूवी में। हाँ ये अच्छा आइडिया है, किसी अच्छी फिल्म का सीन उठा लो एंड देन कुछ बेसिक चेंजेस कर दो सीन में, जैसे कि किक मूवी में ट्रेन था तो इन्होंने अपनी मूवी में ट्रक डाल दिया। क्या बात है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, बाय।